लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने घर में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज मैं पोटैटो लॉलीपॉप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, नीचे लाइक का बटन है वो भी दबा दे। और अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने यहाँ पे करीब 5 आलू को उबाल करके इसका छिलका भी हटा लिया है। और हाँ दोस्तों, मैंने उबालते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि उबालने तो सभी को आता है। और अब मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया है और इस ब्रेड को मैंने तोड़ करके मिक्सी जार में डाल दूँगी। देखिए इसी तरह से डाल दें और इसका अब मैं तरतरा तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने उबला हुआ आलू का मैस भी तैयार कर लूँगी। देखिए इसी तरह से इसे हल्की हाथ से दबाते हुए इसका मैश तैयार कर ले। और हाँ दोस्तों, बिल्कुल मेहीन ना करे, थोड़ी मोटी ही रहने दे। देखिए अब इसका मैश भी तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैश तैयार करे। और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसाले में मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर बना करके रखी हुई थी, उसे मैंने करीब 1 चम्मच डाल दिया है। और अब मैं भुना हुआ अजवाइन भी इसमें करीब 1/2 चम्मच डाल दिया है। और अब मैं इसमें भुना हुआ सौंफ भी 1/2 चम्मच डाल दिया है। और अब मैं इसमें करीब 1/2 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा साबुत धनिया जो होता है उसे मैंने भून करके उसका भी पाउडर तैयार कर लिया था, उसे मैंने डाल दूंगी। और हाँ दोस्तों, बरसात के सीज़न में धनिया पत्ता मिलना तो बड़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसके जगह पर आप साबुत धनिया भून करके उसका पाउडर डाल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसमें करीब 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। और यहाँ पे करीब 1/2 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स भी डाला है। और 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था, उसे भी मैंने इसमें डाल दूंगी। देखिए उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें करीब 1/2 चम्मच काला नमक डालूंगी और 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालें। और इसमें करीब 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर भी मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मसाले और आलू को मिक्स कर लूँगी। इसी तरह से हाथ से मिक्स कर लें ताकि हमारा लॉलीपॉप का टेस्ट अच्छा आए। और हाँ, अब मैं इसे थोड़ा छोटा छोटा इसका बॉल तैयार कर लूँगी। देखिए इसी तरह से हाथ पर चिकनापन देते हुए इसका बॉल तैयार कर लें। इसी तरह से हम सारे मैस का बॉल तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने 2 तरह से लॉलीपॉप तैयार किया है, एक गोला है और एक कुछ लंबे हैं। आपको जो पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हैं। और अब मैं एक बॉल लूँगी, उस बॉल में कच्चे चावल का आटा बिल्कुल महीन होना चाहिए, उसे मैं करीब 3 चम्मच डाल दूँगी। देखिए मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। और अब मैं पानी लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी। और हाँ दोस्तों, एक बार ज़्यादा पानी ना डालें तो ज़्यादा पतला हो जाएंगे, इसलिए थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लें। देखिए इसी तरह से चम्मच से मिलाते हुए पेस्ट तैयार कर लें और देख लें कि गाढ़ी है या पतली। देखिए हमें लगता है थोड़ी गाढ़ी है, थोड़ी और पानी इसमें पड़ना चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा और पानी इसमें डाल दिया है और चम्मच से हिलाते हुए इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसी तरह से पेस्ट तैयार कर ले। और अब मैं एक बाउल में जो ब्रेड था उसका दरदरा तैयार करके रखी हुई थी, देखिए उसका दरदरा इस तरह से तैयार कर ले। और अब लॉलीपॉप को ले और जो पेस्ट तैयार करके रखे थे उसमें पहले भिगो ले और इस तरह से ब्रेड का दरदरा उस पर कवर चढ़ा दे। इसी तरह से हम सारे लॉलीपॉप में कवर चढ़ा देंगे। देखिए मैंने चढ़ा दिया है और करीब 2 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम खट्टी चटनी बना लेंगे। देखिए दोस्तों, 2 मिनट में अच्छी तरह से सेट भी हो जाते हैं। चलिए खट्टी चटनी बनाते हैं। खट्टी चटनी बनाने के लिए हमने मिक्सी जार लिया है और एक मीडियम साइज का कच्चा आम खट्टा वाला उसे मैंने इस तरह से काट लिया है। और अब मैं मिक्सी जार में डाल दूंगी। देखिए मैंने सारे आम को मिक्सी जार में डाल दिया है। और अब मैं इसमें, देखिए मैंने 2 लाल मिर्च जो होता है उसे गैस पर इसे पका लिया है और इसका डंडी तोड़ करके इसे भी मैंने डाल दूंगी। देखिए इसे भी मैंने डाल दिया है और साबुत धनिया उसे भी, देखिए भूरे कलर के
मैंने ये भून लिया है और उसे भी मैंने डाल देंगे। देखिए हाँ दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आप इसे जरूर चटनी में डालें। और अब मैं 5 लहसुन की कलियां भी डाल दूंगी और भुना हुआ जीरा पाउडर जो है उसे भी मैं 1 चम्मच डाल दूंगी। देखिए इसे भी मैंने डाल दिया है और करीब 1/2 चम्मच इसमें काले नमक डालूंगी और 1/2 चम्मच इसमें सफेद नमक इसे भी डाल दूंगी। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। और हाँ दोस्तों, आम के हिसाब से ही पानी ऐड करें। मैंने यहाँ पे करीब 1/2 बॉल पानी डाला है, ज़्यादा पानी पड़ जाएंगे तो पतले हो जाएंगे। देखिए मैंने चटनी भी तैयार कर लिया है और इसे अब मैं 1 बॉल में रख लूँगी। देखिए इतना अच्छा चटनी बनकर तैयार हो चुका है, ना गाढ़ी है और ना पतली, बस मीडियम है। इसी तरह से चटनी तैयार करें। और अब मैं इसमें कढ़ी पत्ता से इसे सजा दूंगी। देखिए इसी तरह से सजा दूंगी ताकि हमारी चटनी खूबसूरत दिखे। और यहाँ पे मैंने टमाटर का मीठी चटनी भी तैयार किया है और इसकी वीडियो आपको देखनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। देखिए दोनों चटनी तैयार है और हमारा लॉलीपॉप भी सेट हो चुका है। अब मैं इसे तलूंगी। तलने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और कढ़ाई को भी गर्म कर लिया है और करीब 2 कप मैंने इसमें रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, उसमें भी अच्छा टेस्ट आएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लॉलीपॉप तले तो हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले और उसमें लॉलीपॉप डाल दें। और लॉलीपॉप जब पूरे डाल जाए तो फ्लेम को थोड़ी मीडियम कर दें। देखिए इसी तरह से अब मैं गैस के फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। देखिए मैंने मीडियम कर दिया है ताकि ऊपर से करारा बने और अंदर से सॉफ्ट बन जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम रहेंगे तो जल जाएंगे और ऊपर से करारा भी नहीं बनेंगे। देखिए इसी तरह से पलट पलट कर लॉलीपॉप को तल लें। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। देखिए इसी तरह से तलें। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज किया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पहले वाले अच्छे थे या अभी चेंज किया है वो अच्छे हैं। इतना अच्छा लॉलीपॉप बनता है, ऊपर से करारा और अंदर से सॉफ्ट, बच्चे को तो पसंद आता ही है, साथ बड़ों को भी खूब पसंद आता है। कितना खूबसूरत कलर और उतना ही खूबसूरत इसका टेस्ट भी होता है। और मैं इसमें अब लॉलीपॉप है तो इसमें मैं टूथपिक इस तरह से डाल दूंगी। इस तरह से मैंने सारे लॉलीपॉप में टूथपिक डाल दूंगी। इसी तरह से गोला वाला में भी मैं टूथपिक डाल दूंगी। और हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे मीठी चटनी भी मैंने बनाया है और खट्टी वाली भी, मीठी चटनी भी पसंद है और मीठी चटनी के साथ खाए बहुत ही टेस्टी होता है। और खट्टी वाली चटनी पसंद है तो आप खट्टी वाली चटनी के साथ खाएं। देखिए ऊपर से कितने करारे हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। मैं फिर भी मिलूंगी।